तब कुछ लोगों को ऐसे शायद लगा होगा कि राम मंदिर शिवसेना का चुनावी मुद्दा है, लेकिन आप सभी को याद होगा कि उस वक्त मैंने नारा दिया था पहले मंदिर फिर सरकार। आज शिवसेना के सारे सांसद यहाँ मौजूद हैं। कल से लोकसभा का सत्र शुरू होने जाने वाला है और सदन में जाने से पहले शिवसेना के सारे सांसद अयोध्या में आए, रामलला का दर्शन किया, आशीर्वाद लेके कल संसद में जाएंगे और अपना करियर जो है इस बार का जो वो शुरू करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जब मैंने कहा था पहले मंदिर फिर सरकार, तो उसके बाद ये जो मुद्दा था वो पूरे देश में गर्म हो गया था। जैसे कि मान लो कि ठंडे बस्ते में पहले पड़ा था, लेकिन इसके ऊपर भी मंदिर निर्माण के लिए भी अब गति आने लगी है और हमें पक्का विश्वास है कि जल्द से जल्द यहाँ मंदिर बनेगा ही बनेगा। मैं राष्ट्र में दूसरी बार यहाँ आया हूँ। पहली बार जब आया था तो कुछ लोगों ने पूछा था कि आप क्या दोबारा आएंगे, लेकिन ये जगह ऐसी है कि यहाँ बार बार आने जैसा दिल करता है और पता नहीं आगे कितनी बार मैं भाई यहाँ आऊंगा, लेकिन आते तो रहूंगा और मंदिर भी बनेगा। इस विषय के बारे में अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो जी, एक सवाल ये है। तो आप पूछिए, मैं आपका समाधान करने की कोशिश करता हूँ। धर्म संसद यहाँ हुई, साधु संतों ने मंच पर से कल अयोध्या में धर्म संसद हुई, सभी साधु संतों ने ये कहा, ये मांग की कि आप योग्य समय आया है राम मंदिर बनने का। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने, एक बड़ा उप मुख्यमंत्री इस राज्य के, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि दो रास्ते हैं, एक बातचीत और कोर्ट, अगर दोनों रास्तों से हल नहीं निकलता है तो कानून करके मंदिर बनाएंगे और सपनों की पूर्ति होगी। इसको लेकर आप क्या समझते हैं, आपके सामने? पहले भी मैंने यही कहा था कि अदालत में पिछले कई सालों से मुद्दा उसी के ऊपर चर्चा बहस होती रही है। आज भी कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं। हम सबका यही कहना है कि अब सरकार तो मजबूत सरकार है, हम साथ हैं, रोकने वाला तो कोई है नहीं। मोदी जी उनमें ये हिम्मत है और वही है सरकार जो अब वहाँ बसी हुई है, बन रही है। ये सरकार अगर निर्णय लेती है तो रोकने वाला कोई नहीं होगा, हम तो साथ रहेंगे और पूरे देश का हिंदू, विश्व का हिंदू इस निर्णय के साथ होगा, साथ देगा। तो हमें इसका गर्व है, तो क्या शिव सैनिक जिस तरह से उन्होंने आगे भूमिका अदा करके ढांचे को ध्वस्त किया था, तो राम मंदिर निर्माण भी शिव सैनिक ही आगे बढ़कर शुरू करेंगे क्या? जरूरत पड़े तो जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा पूरे हिंदुओं का है और हम हिंदू सब एक है। तो सपोर्ट का सवाल ही नहीं, हम तो यही कह रहे कि ऑर्डिनेंस लाओ। एक सवाल और बनता है कि आपका भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, क्या राम मंदिर मुद्दे को लेकर के ऐसा कोई मोड़ आए तो क्या गठबंधन को दाव पर लगा सकते हैं राम मंदिर के लिए? क्या अच्छी बात करेंगे तो अच्छा है। मराठी में एक कहावत है, शुभ बोल रहे नार्या। आपका मैं कोई अपमान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये शुभ कार्य है तो शुभ कार्य के लिए कामना भी शुभ होनी चाहिए। अगर उतारो तो उसमें गलत क्या है? यानी राजनीति में आ सकते हैं आप, यहाँ उत्तर प्रदेश? राजनीति में तो मैं हूँ ही। उत्तर प्रदेश में आप राजनीति सरकार को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुआवजा देना है। आप क्या गवर्नमेंट पे दबाव बनाएंगे
कानून का हवाला, हमारा तो कहना यही है कि कानून बनाओ और मंदिर बनाओ। उद्धव जी, उद्धव जी, आप वैचारिक अध्यादेश, आप वैचारिक बीजेपी के सबसे ज्यादा करीब है, वैचारिक दृष्टि से आप बीजेपी के सबसे ज्यादा करीब है, लेकिन इतने दिन के गठबंधन के बाद भी सिर्फ महाराष्ट्र तक ही, क्या ये गठबंधन आगे यूपी में भी दिखेगा या और प्रांतों में भी दिखाई देगा? ये जो प्रश्न है दोनों पार्टियों पर निर्भर करता है। हम तो यही चाहते हैं जो बाला साहब चाहते थे कि सब हिंदू एक हो जाएं और हिंदुओं की एकता जो है वो कायम रहे, इसलिए यही कारण है हमने महाराष्ट्र के बाहर कभी चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन पहले जब चलो क्या हो गया आ जाएगा। अच्छा आपका चालू है, दो मिनट में लाइट आएगी। हाँ माइक माइक चालू है, माइक नहीं माइक बंद हो गया। नहीं ठीक है, काय सांगू तुम्ही? हाँ क्या मुद्दा चल रहा था अपना? हाँ तो हिंदुओं की एकता कायम बनी रहे और यही कारण है हमने कभी महाराष्ट्र के बाहर चुनाव नहीं लड़ा। हिंदुओं के हित के बीच में हम कभी आए नहीं, लेकिन आज और इसके पहले भी मैं अयोध्या इसलिए आया हूँ कि जिस भावनाओं से हमने गठबंधन बनाया उस भावना को अगर आगे लेके जाना है तो यहाँ मंदिर तो जल्द से जल्द बनाना ही होगा। और मुझे पक्का विश्वास है कि ये जो सरकार है हम साथ में हैं, सब मिलकर ये मंदिर हम बनाएंगे। और एक गोष्ट अशी आहे की आज उद्यापासून संसदेचं अधिवेशन मी काही ठरवलेलं नाहीये। शिवसेनेचे सगळे खासदार पहिल्यांदा राम मंदिरात येऊन श्रीरामाचं प्रभू रामाचं दर्शन घेऊन उद्यापासून म्हणजे पहिलं मंदिर आणि त्याच्यानंतर संसद हे आम्ही आमच्या आचरणामधून दाखवून गेलेलं आहे। गेल्या वेळेला येऊन मी आशीर्वाद मागितले होते आणि आजही आशीर्वाद मागण्यासाठी आलेलो आहे की सगळे खासदार निवडून आलेले आहेत, हे सगळे खासदार सरकार सोबत आहेत आणि ही जी ताकद आहे या ताकदीने आता हे मंदिर बनवावं हीच इच्छा मी इकडे व्यक्त करायला आणि आशीर्वाद मागायला आलो। आहे पण आता त्याच्यासाठी या गोष्टी मी इथे एकट्या बसून सांगू शकत नाही। ज्या वेळेला पुन्हा एकदा हे सरकार देशातल्या जनतेला माहिती आहे की हिंदुत्ववादी लोक आहेत, तरी सुद्धा गेल्या वेळेपेक्षा जास्त मतांनी हे सरकार निवडून गेले याचा अर्थ देशातल्या जनतेची ही भावना आहे की इकडे मंदिर व्हायला हवं। त्याच्यामुळे आपल्या देशातली लोकशाही जी आहे, लोकभावनेचा आदर हा त्या लोकशाहीचा एक मोठा घटक असतो, अंग असतं आणि म्हणून लोकांची हीच भावना आहे की मंदिर इकडे व्हावं। आधी 5 वर्ष तर जाऊ द्या ना। सुप्रीम कोर्टावरती विश्वास आहे पण शेवटी लोकसभेमध्ये कायदा बनतो। अनेक अशा काही गोष्टी आहेत की ज्या लोकसभेने निर्णय घेतले त्याचे निर्णय तुम्हाला माहिती आहेत, शहा बनो असेल, ट्रिपल तलाक असेल, अशा काही गोष्टी आहेत। ठीक आहे, अशा विरोधकांना बोलायला काहीतरी लागतं ते बोलू द्या, पण दुष्काळामध्ये शिवसेनेने पक्ष म्हणून जेवढं काम केलंय त्याच्या अर्ध्यापेक्षाही कमी काम ज्यांनी केलं असेल किंवा नसेल त्यांनी शिवसेनेला या विषयावरती प्रश्न विचारू नये। एक मी नंतर बोलू। जो बात मैंने पहले मराठी में कही वही अभी दोहराता हूँ मैं। सबको यही ये पता है कि शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हम हिंदुत्व वाले हैं, हम हिंदू हैं। इनकी सरकार हिंदुत्व को मजबूत करने वाली सरकार है और इसके बावजूद ये समझने के बाद भी पिछले बार जितने सांसद आए थे उससे भी कहीं ज़्यादा सांसद और काफ़ी अच्छे वोटों से ये सरकार दोबारा आई है। इसका मतलब यही है कि प्रजातंत्र में जो जनता है उसका भावनाओं का आदर करना चाहिए और देश की जनता की यही भावना है यह मंदिर होना चाहिए तो मंदिर तो होके रहेगा। धन्यवाद, हमारे हो, धन्यवाद।